भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहां श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच को अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, तो मुकाबला शुरू होने से बिल्कुल ठीक पहले मैदान के बाहर ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जुबानी जंग का आगाज हो चुका है। किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस समय भारतीय क्रिकेट टीम पर षड्यंत्र रचने जैसा गंभीर आरोप लगा रहा है और इन आरोपों पर क्या कुछ बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, तो क्या है वो आरोप, इसके ऊपर क्या दिया है जवाब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। जिस तरह से हम सब जानते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का रोमांच हमेशा से भारतीय और ऑस्ट्रेलियन फैंस में खूब रहता है, क्योंकि हमेशा इस श्रृंखला में गेमो गेमी का माहौल होता है, भला वो मैदान पर बल्ले और गेंद के साथ हो या फिर मैदान पर जुबानी तकरार हो, ये तकरार हमेशा से काफी ज्यादा रोमांचक रहती है। यहां तक कि ये तकरार सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों में नहीं बल्कि मैदान के बाहर क्रिकेट के फैंस में भी देखी जाती है और खासकर एक अलग ही तरह का रोमांच रहता है भारतीय और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में। जबकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने मुकाबला शुरू होने से एक दिन पहले ही ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय टीम जान पूछकर एक स्पिन टर्निंग पिच बना रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम को यहां पर यानी कि भारत में स्पिन खेलने में ज्यादा दिक्कत हो और भारतीय टीम आसानी से जीत जाए। पहले तो ऑस्ट्रेलियन पूर्व खिलाड़ियों ने पिच पर आरोप लगाया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी भारतीय टीम पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है कि मुकाबला शुरू होने से 3 दिन पहले तक तो इस पिच के ऊपर घास थी, लेकिन बीते दिन में पिच क्रिएटर्स ने घास को काट दिया और उसके बाद पिच के ऊपर रोलर चला दिया गया है और ऐसा करने से स्पिनर्स को पहले दिन से ही अच्छी मदद मिलने लग जाएगी। ऑस्ट्रेलियन टीम में पहले से ही स्पिन को खेलने का काफी खौफ नजर आ रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम स्पिन को लेकर खास तैयारी कर रही है और ऑस्ट्रेलियन टीम का खौफ में आना इस बात से भी लाजमी है, क्योंकि बीते 2 दशकों से ऑस्ट्रेलियन टीम ने कोई भी टेस्ट सीरीज भारत में नहीं जीती है। आखिरी बार साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया भारत में कोई भी टेस्ट सीरीज जीतने में सफल हुआ था। अब ऐसे में जहां ऑस्ट्रेलियन मीडिया भारतीय क्रिकेट टीम पर पिच खराब करने जैसे भीषण और गंभीर आरोप लगा रहा है और इसके ऊपर आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि इस समय ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो पिच को लेकर बयानबाजी दे रहा है इसके बारे में क्या कुछ आपका कहना है, आपकी क्या सोच है, तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इन सभी बातों को खारिज करते हुए साफ साफ कह दिया कि प्रिपरेशन इज द की, इफ यू वर्क वेल यू गेट द रिजल्ट। इसका मतलब साफ साफ यही है कि यही कहना चाहते हैं रोहित शर्मा, अगर आपकी तैयारियां अच्छी हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि पिच जैसे मर्जी है। हालांकि रोहित शर्मा ने सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब दे दिया, देखने योग्य बात रहने वाली है कि क्या पहले ही दिन से स्पिनर्स को मदद मिलती है और देखने योग्य बात ये भी रहेगी कि क्या ऑस्ट्रेलियन टीम भारतीय स्पिनर्स को खेलने में सक्षम रहेगी, क्योंकि जब आपके सामने टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि रविंद्र जाडेजा और रवि अश्विन जैसे गेंदबाज रहेंगे तो दिक्कतें आपके लिए लाजमी रहेंगी, ये बात कहीं ना कहीं जरूर देखने योग्य रहने वाली है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ है आपका कहना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के इस गंभीर आरोपों पर और जो जवाब दिया है रोहित शर्मा ने इसके बारे में, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।